क्या पशुपति पारस को मानते हैं एनडीए में है या नहीं? देखिए एनडीए में अगर होते तो इस तरह की वो बात और बयान नहीं दे सकते थे। विधानसभा चुनाव को लेकर पारस जी कह रहे हैं कि सम्मान दो नहीं तो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। उनको अधिकार है लड़ने का, वो लड़ सकते हैं, इसलिए उनकी पार्टी है। अब पार्टी होने के नाते उनको लड़ना चाहिए, उनको 243 सीट पर लड़ना चाहिए। जब से वो एनडीए से बाहर हुए तब से तो कोई चुनाव नहीं लड़े, तो निश्चित रूप से उनको लड़ना चाहिए। चौकीदार दफादार वाला जो मुद्दा गरमाया हुआ था, सीएम से भी मुलाकात करने की उन्होंने बातें कही थी, अब ये मुद्दा जो है कहाँ तक पहुँचा है? आने वाला समय में देखिएगा ये सब काम होगी। नीतीश कुमार जी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से काम होगी, चौकीदार वाले दफदार वाले भाई लोगों का सबका काम होगा निश्चित रूप से। उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया हमारे नेता को और निश्चित रूप से ये काम होगा। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है, क्योंकि जब पार्टी में आप हैं तो पार्टी का जो धर्म है और जो गठबंधन का धर्म है उसको आपको पालन करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज LGPR में एक नए सदस्य शामिल हुए हैं, जिसको लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में मजबूती देखने को मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे जितेंद्र यादव जी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पार्टी में एक नए सदस्य आए हैं, खूब स्वागत हुआ उनका। जी जी, पार्टी इसी तरह से हम लोगों को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रही है और जितना भी बिहार के युवा है, हर जाति हर धर्म के लोग हमारे नेता चिराग पासवान जी के कामों से काफ़ी प्रसन्न है और खुश होकर के हमारे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आरक्षण को लेकर जीतन राम मांझी और जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने कहा, एनडीए के ही दल में एकजुटता कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही, विचारों की विभिन्नता है? देखिए कोई विभिन्नता नहीं है, हर आदमी को हर व्यक्तिगत अपना अपना राय है और जीतन राम मांझी जी का अपना व्यक्तिगत राय है और उनका व्यक्तिगत राय में हम लोग इसमें किसी तरह के कोई बोलने के लिए नहीं चाहते हैं कि वो उनका है। लेकिन हमारा नेता चिराग पासवान जी ने शुरू से ही बोलते रहे कि जो फैसला आया है उस फैसला के लिए हम फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर पारस जी कह रहे हैं कि सम्मान दो नहीं तो मैं अपने 243 सीटों सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है प्रेशर बनाया जा रहा है? देखिए उनको अधिकार है लड़ने का, वो लड़ सकते हैं, इसलिए उनकी पार्टी है। अब पार्टी होने के नाते उनको लड़ना चाहिए, उनको 243 सीट पर लड़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो जब से वो एनडीए से बाहर हुए तब से तो कोई चुनाव नहीं लड़े, तो निश्चित रूप से उनको लड़ना चाहिए। हम लोग उनको तो स्वागत करेंगे कि 243 सीट पर लड़े, वो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के ये जो है ना अधिकार है उनको लड़ने का। तरारी सीट पर अपनी उम्मीदवार को उतारने की बात कर रहे हैं वो? देखिए अब तरारी उतारे जहाँ जहाँ उनको उतारना उतार सकते, पार्टी उनकी है, उनका कैंडिडेट होगी वो उतारे, लेकिन हम लोग तो भाई एनडीए के साथ है और एनडीए जो फैसला लेगी उस फैसला के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। तो क्या पशुपति पारस को मानते हैं एनडीए में है या नहीं? देखिए एनडीए में अगर होते तो इस तरह की वो बात और बयान नहीं दे सकते थे, क्योंकि जब पार्टी में आप हैं तो पार्टी का जो धर्म है और जो गठबंधन का धर्म है उसको आपको पालन करना चाहिए। चिराग पासवान जी आरक्षण को लेकर बोले हैं और आरक्षण की तो अभी हम बात थोड़ा हटा दें, चौकीदार दफादार वाला जो मुद्दा गरमाया हुआ था, सीएम से भी मुलाकात करने की उन्होंने बातें कही थी, अब ये मुद्दा जो है कहाँ तक पहुँचा है? आने वाला समय में देखिएगा ये सब काम होगी। नीतीश कुमार जी आश्वासन दिए हैं कि निश्चित रूप से काम होगी, चौकीदार वाले दफदार वाले भाई लोगों का सबका काम होगा निश्चित रूप से। उन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया हमारे नेता को और निश्चित रूप से ये काम होगा। एक आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव पर आज ईडी वालों ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जो गलत करेगा, जो गलत करते हैं उनके साथ ईडी या इनकम टैक्स जो भी हो वो टीम तो अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम कर रही है। अगर उनको न्यायालय पर भरोसा है तो निश्चित रूप अगर वो गलत नहीं किए होंगे तो गलत का गलत सही का सही होगी, इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें अलबलाने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने गलत नहीं कुछ किया होगा तो निश्चित रूप से वो बड़ी हो जाएंगे, अगर गलत किए होंगे तो फिर उनको सजा मिलेगी। तो आपने देखा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले ही इधर कई चीज़ें ऐसे हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, खुद एनडीए के जो लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और एक तरफ आज बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर ईडी वालों ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, इसको लेकर कई सवाल उठने वाले हैं, हालाँकि अभी कई समय बाकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।